हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज गुप्ता 45। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोदी के एप्लीकेशन से सीडल अपनी या अपनी डाउनलाइन की लॉयल्टी रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपनी टीम मेंबर को भी शेयर करें और डाउनलाइन को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि मोदी के एप्लीकेशन से अपनी या अपनी डाउनलाइन की ट्वेल्थ रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। तो गाइस, अब हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपनी मोदी की एप्लीकेशन ओपन करनी है। मोदी की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको अपना MCA नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन कर लिया हूँ। फिर लॉगिन करने के बाद आपको राइट साइड में रिपोर्ट करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं लॉयल्टी रिपोर्ट करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। अगर आपको अपनी डाउनलाइन की देखनी है तो डाउनलाइन की भी देख सकते हैं, अपनी खुद की भी देखनी है तो खुद की भी देख सकते हैं। तो हमें सेल्फ मीन्स अपनी खुद की भी देख सकते हैं, डाउनलाइन की भी देखनी है तो नीचे में डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। डाउनलाइन पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने डाउनलाइन से MCA नंबर मांग के या फिर कॉपी करके आप डाउनलाइन की MCA नंबर यहाँ पर नीचे में डाउनलाइन MCA नंबर कर डाल सकते हैं आप। तो मैं अपनी डाउनलाइन की MCA नंबर डाल रहा हूँ। डाउनलाइन की MCA नंबर डालने के बाद आपको करना क्या है, सो रिपोर्ट पर क्लिक करना है। सो रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी डाउनलाइन में अक्टूबर से लॉयल्टी स्टार्ट की है और मैं उनकी सारी लॉयल्टी रिपोर्ट यानी कि कौन से मंथ में कितनी की लॉयल्टी की है, कब तक की है, कौन कितनी ज़्यादा की है, कितनी कम की है, वो सारी लॉयल्टी रिपोर्ट आपको नीचे में दिख जाएंगी। आप अपनी कोई भी डाउनलाइन की अपनी या फिर आप किसी की भी डाउनलाइन की MCA नंबर लेके आप उनकी डाउनलाइन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अगर उन्हें भी नहीं पता होगा तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें भी अपनी खुद की भी लॉयल्टी रिपोर्ट देखनी होगी तो वो भी देख सकते हैं कि किसी और से बार बार पूछना ना पड़े। तो आप देख सकते हैं उनकी लॉयल्टी रिपोर्ट का फर्स्ट लॉयल्टी रिपोर्ट करके आ चुका है नीचे, यानी कि उनकी फर्स्ट लॉयल्टी रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक फर्स्ट लॉयल्टी कंप्लीट हो चुकी है, अब 1 ईयर्स की लॉयल्टी अब वो कंप्लीट करेंगे, यानी कि उनकी 7-8 मंथ तो कंप्लीट हो ही गए होंगे। फिर अगर आपको अपनी खुद की लॉयल्टी देखनी है तो मैं उसके लिए भी बता दूंगा आपको करना क्या है। आपको वापस वही ऑप्शन पर जाना है और आपको सेल्फ पर क्लिक कर लेना है। सेल्फ पर क्लिक करने के बाद ओके पर करना है और सो रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। अब मैं अपनी लॉयल्टी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। मेरी लॉयल्टी रिपोर्ट अगस्त से वापस स्टार्ट किया है मैंने, अब मैं सिक्स मंथ कर लिया है, अभी मैंने किया नहीं है मैं क्योंकि उस टाइम मैंने 1 मंथ छोड़ दिया था तो मेरे 1 ईयर्स की लॉयल्टी स्टॉप हो गई थी। फिर मैं आगे अभी करूँगा लॉयल्टी। अगर आपको अपना बोनस पॉइंट देखना है यानी कि अगर जब लॉयल्टी करते हैं तो आपको बोनस पॉइंट दिखता है तो आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने अभी लॉयल्टी की नहीं है तो उसका बोनस अभी दिखेगा नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर सेट करें, अपनी डाउनलाइन को भी शेयर करें। अगर आपको मोदी के लॉयल्टी एक्सप्रेस के बारे में जानना है तो आपको इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है और आपको मैं इस वीडियो की लिंक यानी कि इस वीडियो को मैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एंडिंग स्क्रीन पर दे दूँगा।